Let's go. Shit, चल गई अपनी बोलोरो. So hello everyone, welcome back to the channel, guys. तो आज तुम्हारा भाई चला रहा है बुलेट बुलेट और ये खड़ी कर दी अपनी लोहा. तो अपने पास लोहा भी है, प्लास्टिक भी है. जब जिसका शौक होता है तब उसको चला लेते हैं. तो चलिए चलते हैं अभी और देखते हैं. मौसम की बात की जाए तो मौसम हो रहा है सुहाना और हमारी लाइफ है सुहानी. है ये क्या था, जो भी था बड़ा वाहियात था. तो मौसम आज का हो रहा है थोड़ा अच्छा. आई मीन धूप नहीं निकली हुई है इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा. और तो सब बढ़िया है. और ये बच्चे नहा रहे हैं पानी पे. तो बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे रोज ब्लॉगिंग किया करो. हमने कहा ठीक है, रोज गाड़ी चलाएंगे अब हम, रोज एवरी डे. आई मीन रोज चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बड़ी बात है कंटेंट वॉट एवर. हाँ बड़ी बात है वीडियो का टॉपिक. एंड टॉपिक नहीं है तो आप लोग बोर हो जाओगे ना यार बार बार घूम घूम के. बट फिर भी चलो, अगर आप लोगों का रोज ब्लॉग चाहिए तो अपन रोज ब्लॉग देगा आप लोगों को. बात ख़त्म. क्योंकि जिस काम को आपने चूज़ किया है उस काम से भागना क्यों क्यों वाय नहीं भागना चाहिए. जो काम आपने खुद चूज़ किया है उस काम से भागना ही क्यों, उस काम को पूरा करना चाहिए खुशी खुशी. What the fuck, man? 2000 years later. और ये बन रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप जो कि बहुत ही अच्छा है. अब यहाँ के लोगों के लिए पेट्रोल पंप पास हो जाएगा बिकॉज पहले तो बहुत दूर जाना पड़ता था, मे बी 2 किलोमीटर. बट अभी अपने लिए भी ठीक ही है बिकॉज अपन अकेडमी से फिर डायरेक्ट इतनी दूर जाते हैं पेट्रोल डलाने, तो यहीं पे डला लिया करेंगे. और रही बात गोप्रो के एंगल की तो वो थोड़ा ऊपर हो सकता है. आई मीन इसका सिटिंग पोस्चर थोड़ा अप साइड है ना, इसलिए बोल रहा था. बाकी हमें ऐसा फील हो रहा है कि बारिश हो सकती है बट आई डोंट रियली नो कि क्या होने वाला है. और मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज फेसबुक पे एक बॉडी बिल्डर है जो सुनील शेट्टी की स्टाइल से बोलता है. तो उसकी वीडियो देख देख के अपना भी कुछ ऐसे ही टोन हो गया है. मे बी आप लोगों ने भी देखा होगा जो बोलता है मेरी नेचुरल बॉडी है, आप लोग भी नेचुरल बॉडी बना सकते हो, और वो सारा कहीं से भी नहीं लगता नेचुरल बॉडी. और बाल बहुत ही ज़्यादा यार डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे मुंह पे आ रहे हैं. आई मीन आँखों के ऊपर. जय माता दी. और बहुत ही खुशी की बात ये है कि ये रोड फाइनली बनने जा रही है. फाइनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रोड कोई 2-4 साल पुरानी नहीं है, ये रोड है मे बी 35 से 40 साल पुरानी और 50 साल पुरानी. बिकॉज पापा बताते हैं कि जब हम तुम्हारी एज के थे तब भी ये रोड ऐसी ही थी और अब भी ये रोड ऐसी ही है. अभी 2-4 दिन पहले ये गिट्टियाँ डाली गई हैं बिकॉज बनने को रेडी है ये रोड, इसलिए. वरना इससे पहले तो आप देख ही चुके हैं कि ये रोड की हालत क्या है, इसीलिए मैं यहाँ से अपनी बाइक नहीं लेके आता था. बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी ये रोड, लेकिन फाइनली किसी मेहरबान ने इसको देखा और ये बनने जा रही है. बिकॉज यार 2-4-10 साल हो तो चलो ठीक है कि पहले बनी थी फिर ख़राब हुई, नहीं ये रोड पिछले 50 साल से नहीं बनी. तो आप समझ सकते हो कितनी पुरानी रोड है ये और बनी ही नहीं, कच्ची थी ऐसे ही धूल धूल, बारिश होती थी तो पूरे में पानी भर जाता था. तो फाइनली इसकी सुनवाई हो चुकी है. भाई साहब उचका दिया. तो अब देखना है कि कितनी ही जल्दी इसका काम स्टार्ट हो के और ये पूरा और सीसी पड़ती और सीसी
और सीसी, आरसीसी नहीं और सीसी। और ये पूरी वहीं तक बननी चाहिए तब तो ठीक है, आधी बनेगी तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये पुल के नीचे जो बवाल होता है, आई मीन आप खुद ही देख लो क्या बवाल होता है, बहुत भयंकर बवाल होता है। आई मीन यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा रुकता है कि कीचड़ हो जाता है पूरा। लुक ये पानी, अरे भे 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 भाई साहब देखिए क्या ही बवाल हो रखा है, मतलब नहर नदी बन जाती है यार। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है बाइक चलाने में तो यहाँ पे खेल जाओगे, आई मीन लुढ़क जाओगे। देखो कितना ही ज़्यादा पानी है डूड, और यहाँ से कहीं से निकल, नाली है लेकिन यहाँ पे जोड़ा ही नहीं है, बंद पड़ा है इसलिए। और ये हमारे भाई साहब निकल गए हैं फोर व्हीलर लेके, बिकॉज बुलेट हम ले आए थे। हाँ तो वो कह रहे हैं हमने धुलाई है, गंदी ना कर देना इसको, क्या फ़र्क पड़ता है, गंदी हो जाएगी फिर धुल जाएगी। और ये आ गए हैं हम अपने घर के पास, घर के पास। और नवरात्रियाँ जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं 7 तारीख से, तो बहुत ही खुशी वाली बात है, बिकॉज पिछले साल तो नहीं हो पाया था तो काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन इस दफ़े होना है तो मज़े की बात है भाई साहब, क्योंकि ये दिन स्पेशल दिन होते हैं मेरे लाइफ के, सुकून भरे, मतलब जितना सुकून मिलता है इसी दिन में मिलता है। ये रही आपकी बुलेट, जो कि सच में थोड़ी साफ साफ लग रही है, नॉट रियली बट हाँ साफ साफ लग रही है। और ये है अपना घर, और यहाँ पे लगी है भीड़।